गया सर। गुड माय डियर, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। देखिए बेटा, कक्षा 10 बायोलॉजी चैप्टर फर्स्ट का पार्ट 7 आज हम लोग पढ़ेंगे, जिसका नाम विषमपोषी पोषण है। विषमपोषी पोषण, इस विषमपोषी पोषण को आप हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के नाम से जानते हैं। अब देखो बेटा, हेटरो मींस होता है अदर, हेटरो मींस अदर, और ट्रॉप्स मींस न्यूट्रिएंट्स, हेटरो मींस अदर, ट्रॉप्स मींस न्यूट्रिएंट्स। इसका मतलब यह हुआ कि वे जीव जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं कर सकते हैं, सेल्फ नहीं कर सकते हैं, बल्कि दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं या दूसरे जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें हम आप लोग विषमपोषी पोषण कहते हैं। जैसे कवक और जीवाणु, कवक और जीवाणु, जो कवक और जीवाणु होते हैं ये दूसरे जीवों पर क्या करते हैं, डिपेंड रहते हैं और उन्हीं से अपना भोजन ग्रहण करते हैं और अपना जीवन यापन भी करते हैं। इसलिए हम आप लोग यहाँ कह सकते हैं, चाहे जीव जो भी हो, सभी जीव को जीने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। अगर जीवधारियों को भोजन न मिले तो उनका जीवन जो है संभव नहीं। तो आप देख सकते हैं इस हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेटरो मींस अदर और ट्रॉप्स में बता सकते हैं न्यूट्रिएंट्स, इसका मतलब यह हुआ कि वे जीव जो भोजन के लिए दूसरे जीवों पर क्या करते हैं, उनका निर्भर रहते हैं, उन्हें हम आप विषमपोषी पोषण कहते हैं। और इस विषमपोषी पोषण के अंतर्गत आने वाले जीवों को निम्नलिखित भागों में जो है बांटा गया है, आप बता सकते हैं। पहला पॉइंट इसमें होलोजोइक न्यूट्रिशन, दूसरा आप बता सकते हो पैरासाइट आप बता सकते हो सिम्बियोटिक, होलोजोइक न्यूट्रिशन को आप जंतु समभोजी कहते हैं, जंतु समभोजी इसको आप परजीवी सिम्बियाटिक को आप सहजीवी और लास्ट आप कह सकते सैप्रोफाइट्स। जिसे आप मृतोपजीवी
जीवी। होलोजोइक न्यूट्रिशन मीन्स जंतु सम भोजी, पैरासाइट मीन्स परजीवी, सिम्बियाटिक मीन्स सहजीवी, सैप्रोफाइट मीन्स अपरिवर्तित मृतों का जीवी। तो देखिए जो होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है इसे आप जंतु सम भोजी बोल रहे हो, इसके अंतर्गत आप बता सकते हो वे जीव आते हैं जो अपना भोजन ठोस और तरल रूप में लेते हैं, उन्हें हम आप लोग जंतु सम भोजी कह सकते हैं, जंतु सम भोजी कहेंगे। इसके बाद पैरासाइट परजीवी, परजीवी पर मीन्स होता है दूसरे, जीव मतलब जीव, तो इसके अंतर्गत वे जीव आते हैं जो दूसरों पर डिपेंड रहते हैं या दूसरों पर निर्भर रहते हैं, उन्हें हम आप लोग क्या कह सकते हैं, परजीवी कह सकते हैं। अगला आप कहते हैं सिम्बियाटिक, जिसे आप सहजीवी कहते हैं, सहजीवी मतलब सह साथ साथ, वे जीव जो एक दूसरे के साथ साथ रहकर अपना जीवन यापन करते हैं और एक दूसरे को लाभ भी पहुंचाते हैं, उन्हें हम आप लोग क्या कह सकते हैं, अपना सहजीवी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, सहजीवी कहेंगे। और जो सहजीवी होता है इसका एग्जांपल्स आप बता सकते हो, लाइकेन, लाइकेन को एक नाम से और जानते हैं, इसको आप कह सकते हो साइक, क्या क्या है बेटा, लाइकेन, क्या है, लाइकेन। इसके बाद आप इसी में पढ़ेंगे मृतोपजीवी, इसको आप कहते हैं सैप्रोफाइट, वे जीव जो मृत सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं या उसी पर डिपेंड रहते हैं, उन्हें हम आप लोग जो है मृतोपजीवी कह सकते हैं। जैसे आप कह सकते हो कुकुर मुत्ता, कुकुर। अब इसी विषम पोषी पोषण के अलावा हम आप लोग जो है पढ़ेंगे शाकाहारी मांसाहारी सर्वाहारी, जिसको आप हर्बिवोर्स कार्निवोर्स ओमनिवोर्स कहते हैं, शाकाहारी मांसाहारी सर्वाहारी के नाम से जाने, शाकाहारी को आप क्या कहते हैं, हर्बिवोर्स, मांसाहारी कहते हैं कार्निवोर्स, इसी कहते हैं ओमनिवोर्स, हर्बिवोर्स कार्निवोर्स ओमनिवोर्स शाकाहारी। इसको आप बता सकते हो वे जीव जो केवल पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं या पेड़ पौधों से ही करते हैं अपना भोजन लेते हैं, उन्हें हम आप लोग क्या कह सकते हैं, शाकाहारी कहते हैं। जैसे गाय भैंस बकरी, गाय इसका एग्जांपल्स आप दे सकते हो, जैसे गाय भैंस बकरी, इसे क्या कह सकते हैं, शाकाहारी कह सकते हैं। मांसाहारी
मांसाहारी में आप बता सकते हैं वे जीव जो अन्य जीवों के क्या करते हैं, मांस को खाते हैं, उन्हें हम आप लोग मांसाहारी कह सकते हैं। क्या कहते हैं? मांसाहारी। जैसे आप बता सकते हो शेर, चीता या बाघ, इसका एग्जांपल आप दे सकते हो शेर बाघ। लास्ट आप बताएंगे सर्वाहारी, इसके अंतर्गत वे जीव आते हैं जो शाकाहारियों और मांसाहारियों दोनों का आहार लेते हैं, दोनों को खाते हैं, उन्हें हम आप लोग सर्वाहारी कहेंगे। क्या कहेंगे? सर्वाहारी। सर्वाहारी के अंतर्गत आप बता सकते हैं इसे मनुष्य आता है और बिल्ली भी आता है, कुत्ता भी बता, कुत्ता मांसाहारी में भी आएगा। यह आप जो है बेटा पार्ट 7 यहीं पर समाप्त होता है। इसके बाद हम कल अगले वीडियो में जो है आप लोगों को जो है पढ़ाएंगे ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल अर्थात ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ाएंगे। आज हम पार्ट 7 को यहीं पर समाप्त करते हैं और इस वीडियो को जो है बेटा आप लोग जो है जरूर देखिएगा, समझ में न आए तो आप कमेंट बॉक्स में जा करके दोबारा पूछ सकते हैं और आपको जो है जवाब दिया जाएगा। इसलिए आज हम इस वीडियो को समाप्त कर रहे हैं, कल अगली वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। धन्यवाद।